दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और गंभीर को महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलोर की जीत के बाद विराट कोहली और गंभीर के बीच एक बार फिर भयंकर विवाद देखने को मिला, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। तो उन दोनों के बीच की लड़ाई देख राहुल की पत्नी आथिया शेट्टी के तो आंसू निकल चुके थे, और अब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिन्हें सुनकर आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो आखिरकार आथिया ने किसे ठहराया है, इस लड़ाई का दोषी क्या कुछ बताया है, उन्होंने अपने बयान में सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और गंभीर में गलती किसकी थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बेंगलोर की धमाकेदार जीत से ज्यादा विराट कोहली और गौतम गंभीर के चर्चे हैं, जहां विराट कोहली और गंभीर के बीच 2012 में शुरू हुई तनातनी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे के जब आमने सामने आए तो इस बार केवल आंखों ही आंखों में नहीं बल्कि बात तो हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। आलम ऐसा था कि यदि आसपास के खिलाड़ी बीच बचाव में नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। जी हां, आपको बता दें, बेंगलोर की 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हुए लखनऊ की टीम केवल 108 रन बना पाई और 18 रनों से बेंगलोर को शानदार जीत नसीब हुई। लेकिन इस मैच में कई बार पहले भी विवाद हो चुका था, जिसमें हर बार विराट कोहली ही बेंगलोर की तरफ से शामिल होते थे। विराट की लड़ाई सभी से हुई। गौतम गंभीर को उन्होंने पहले चुप रहने का इशारा किया, तो फिर अमित मिश्रा से लेकर नवीन उल हक से ऐसे कहासुनी हुई थी कि एम्पायर को बीच बचाव में आना पड़ा था। लेकिन यह मसला इतने में ही नहीं थमा, और सबसे बड़ा विवाद तो हुआ मैच खत्म होने के बाद, जब गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को फूटी आग नहीं भा रहे थे, जहां गंभीर ने तो गुस्से में विराट कोहली को जमकर फटकार लगाई, तो विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी गंभीर को उन्हीं के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों के बीच हाथापाई जैसा माहौल बन चुका था। आसपास मौजूद सभी खिलाड़ियों ने उन दोनों को अलग करने का प्रयास किया। बीच मैदान में जहां जीत का जश्न होना चाहिए था, वहां पर विवादों का ऐसा अखाड़ा बना था कि इन दोनों टीमों की मैनेजमेंट, खिलाड़ी से लेकर एम्पायर, रेफरी सभी वहां मौजूद थे। जी हां दोस्तों, उन दोनों के बीच इस बार तो विवाद ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया, जिसे देखकर जहां पूरी दुनिया हैरान है, तो वहीं अब राहुल की पत्नी आथिया शेट्टी को भी ये पसंद नहीं आया, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं हूं कि दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन मैदान में जो ये नजारा हमें देखने को मिला वो बेहद शर्मनाक था। विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों भारतीय क्रिकेट के दिग्गज हैं, वो भारत की शान है, और यदि वही दोनों इस तरीके से अपना आपा खो देंगे तो हमारे देश की कैसी छवि पूरी दुनिया पर पड़ेगी। जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, गलती किसी की भी हो, लेकिन दोनों ने समझदारी नहीं दिखाई। इस नजारे ने करोड़ों क्रिकेट फैंस को जरूर प्रभावित किया होगा। जी हां दोस्तों, इन दोनों के बीच हुई इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में ला दिया है और हर कोई हैरान है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस विवाद में गलती किसकी थी, गौतम गंभीर या फिर विराट कोहली, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।